कि हम जब अलिफ पढ़ाते हैं तो पहले अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, अलिफ से अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह ताला, अल्लाह रहीम, अल्लाह करीम, अल्लाह बहुत बड़े नाम, अल्लाह के 99 नाम हैं, अल-मुसव्विर, अल-मुइज़, बहुत नाम हैं। और हमें हमेशा अल्लाह के नाम, जिसको हम अरबी ज़बान में अल्लाह कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो रहमान रहीम भी है, वो इज़्ज़त वाला भी है, वो ताकतवर भी है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। हम आर्जी तौर पर दुनिया में आते हैं, इंसान चले जाते हैं, मगर सबसे अच्छी बात यह है कि हम उसके आशिक हैं, उसके मानने वाले हैं जिसे फना नहीं है। लिहाजा हम बहैसियत मुसलमान या ईसाई या यहूदी या हिंदू, जो भी कौम है, सब लोग अल्लाह को मानते हैं। उनके ज़मानों में अल्लाह के नाम मुख्तलिफ है, अल्लाह तो सारे दुनिया के एहतराम का मुस्तहिक है। मेरी दुआ है कि सारी दुनिया अल्लाह को पहचाने, अल्लाह सबसे अपना रहम करे, और हम इंसान अपनी हिमाकतों की वजह से दुनिया को जितना परेशान कर चुके हैं, अब अल्लाह हम पे रहम करे और अब हम दुनिया को खूबसूरत और मोहब्बत से भरा हुआ बनाने की कोशिश करें। आमीन।